आज होलिका के पावन अवसर पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों की होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल की होली खेल रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि नफरत चाहे जितनी भी फैला लो, मोहब्बत कम होने वाली नहीं है, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में नफरत को मिटा करके, दुश्मनी को भुला करके एक दूसरे में के रंग में रंग जाने का त्यौहार है। इसलिए हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके होली खेल रहे हैं। आज रमजान का महीना चल रहा है, उसमें होली होली के रंगों की अलग ही पहचान है, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने काशी से लड़ रहे, तो मुस्लिम महिलाएं कैसे सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, होली जो है वो भारतीय संस्कृति का त्यौहार है, कि किसी विशेष धर्म का त्यौहार नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखिए, ईसाई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, इस्लाम का त्यौहार मनाया जाता है और पूरी दुनिया से खुशी खुशी मनाती है। कैलेंडर नववर्ष पूरा देश मना, पूरी दुनिया मनाती है, तो भारतीय संस्कृति का त्यौहार मनाने में कैसे परहेज हो सकता है? हमारे पूर्वज भारतीय थे, सनातनी थे, इसलिए हम अपने पूर्वजों के त्यौहार को मना रहे हैं। पूजा पद्धति, रमजान जो है वो हमारी पूजा पद्धति का हिस्सा है मगर हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसलिए होली हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये जो लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि इस्लाम के लोग होली नहीं खेल सकते या रंग से परहेजी है, रंग लगाने से अल्लाह नाराज हो जाता है, तो मेरा उनसे दो ही सवाल है कि जो लोग कपड़े रंग के जो रंगरेज होते हैं, जिनके हाथ पर दिन रात रंगों में डूबे रहते हैं, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है, उनकी रोजी रोटी चलाना बंद कर देगा? दूसरा कि रंग जो है वो खुशियां लेकर के आता है, रंग हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आता है, तो रंगों से परहेज कैसे हो सकता है? अल्लाह कदई नाराज नहीं होता, ये कट्टरपंथी मौलाना नाराज होते हैं। इसलिए मेरे मुसलमान भाई बहनों से अपील है कि रमजान का महीना है तो क्या सही, मगर आप होली खेलिए, जम करके होली खेलिए और भाईचारे का संदेश दीजिए, एक दूसरे के रंग में रंग जाइए। देखिए, मोदी जी को तो पूरा सपोर्ट है, क्योंकि 2014 में जब हम लोगों ने पहली बार बनारस चुनाव पर लड़ने का न्योता दिया था, 2019 और 2024 के चुनाव में हर बार हम लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया है और पूरी मुस्लिम महिलाएं उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बात कही, वो उन्होंने कायम किया और करके दिखाया, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा, चाहे किसी भी योजना की बात कर लीजिए या फिर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं की बात कर लीजिए, एनआरसी सी एनआरसी की बात कर लीजिए, किसी भी चीज में उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, सबके लिए काम किया। तो फिर से मुस्लिम महिलाएं इस बार मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और इस अब की बार 400 पार मोदी जी होंगे। नजमा परवीन, आज जो होली होली है, देखिए आज हम यहाँ सब हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के रंगों की, गुलाल की और फूलों की होली खेल रहे हैं, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द और आपसी खुशियां लाता है। तो हम सब यहाँ पे आज रंगों में और फूलों में सराबोर हो रहे हैं और पूरे देश को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे आपसी भाईचारा कभी भी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि बनारस हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया हुआ है और आज भी ये मिसाल पेश कर रहा है। साथ ही साथ इन कट्टरपंथियों को भी मेरा कराना जवाब, जो हमेशा से धर्म के नाम पे हमें अलग करते, तो उनको भी ये संदेश है कि हम कभी अलग ना थे, अलग ना है और अलग कभी होंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो भारतीय संस्कृति सनातनी है। भारत में रहने वाला हर एक मुसलमान पहले सनातनी है, उसके बाद किसी धर्म या जाति या मजहब का है। तो हम सारे लोग यहाँ मिल करके एकता का पैगाम दे रहे हैं और आपसी खुशियाँ बांट रहे हैं होली के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी जो है तीसरी बार काशी से फिर से काशी चले गए हैं और आप लोग जो होली खेल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं पूरी दुनिया? जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ से, कि वो काशी से फिर से यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम सभी का उनका पूरा सहयोग है, समर्थन है कि वो फिर से जीत करके आएंगे और एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी। जैसे उन्होंने 370 हटाया, तमाम जो है तीन तलाक को खत्म किया, तो क्या लगता है आगे मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से आगे डेवलप कर रही हैं? देखिए, मुस्लिम महिलाओं का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो उनकी जो सुरक्षा हुई है वो मोदी सरकार में ही हुई है, और अभी देखा है 370 हटा या तलाक का मुद्दा था, सब में मोदी जी ने उनका सहयोग किया और साथ दिया, तो आगे भी वो मुस्लिम महिलाओं के सरपरस्त बनेंगे और सहयोगी रहेंगे और वो हमेशा से साथ रहेंगे, तो उससे मुस्लिम महिलाएं सब उनके साथ हैं और वो बहुत खुश भी हैं कि वो फिर से यहाँ से संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीतेंगे।